हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है यूपीपीसीएस लोअर 2013। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस पेपर के नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए उसको बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इस चीज़ को, कि जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे क्या है, इससे हमारे 3 और क्वेश्चन जो हैं हम इस डिस्कस कर पाते हैं और 3 हमारे 3 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें इस क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार प्रत कहा गया है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे पी वी नरसिम्हा राव। और जो हमारे वित्त मंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह, जिन पर अभी एक नई बुक भी लिखी गई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एंड एक मूवी भी बनी है इसी नाम से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतों से संबंधित जो हमारा भाग है वो है भाग 9, और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग है भाग 9A, यानी 9 का। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना संधान, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है यहाँ पर, तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इस बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो संसद के अधिकारियों में ये चारों पोस्ट ही सम्मिलित होती हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, डिप्टी यानी लोकसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये चारों लोग ही इसमें शामिल होते हैं, सभी चारों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यासता के सिद्धांत पर, उत्तर प्रदेश जमींदारी से संबंधित है। अब हमें विचार कीजिए, चार स्टेटमेंट दिए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो इसके जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये दोनों ही सही हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी अनुमूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। 60वें संविधान, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट क्या, 60वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में नागरिकों के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18, ये 60वें में नहीं की गई है, ये 60वें संविधान संशोधन में नहीं बल्कि 61वें संविधान संशोधन में की गई है। मेधा पाटकर, एक सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटकर, ने सेतकारी संगठन का गठन किया था। तो सेतकारी संगठन है, इसका गठन मेधा पाटकर ने नहीं किया बल्कि ये राजू सेट्टी, सेतकारी संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? राजू सेट्टी, जो महाराष्ट्र के हैं, राजू सेट्टी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो केवल 1 और 2 विकल्प सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 3 हमें इसमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं,
एक हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें सही कौन सा नहीं है, तो इसमें सही सी नहीं है, जिसमें क्या रखा है कि मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी, ठीक है, इसलिए सी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 के विद्रोह पर लिखी गई एक किताब है, जिसको बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, और इनके खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक ब्रिटेन भी गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन कितने महीने चला था? 28 महीने का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था होती है उससे क्या सुनिश्चित होता है? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन, उस समय ये वायसराय थे हैं इंडिया के, तो इन्हीं के सुझाव पर भारतीयों को कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? सर शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। बेसिकली जो लाला लाजपत राय हैं वो सन 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो 1, 2 और 4 सही हैं इसमें, 1, 2 और 4 यानी लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी जो लाला लाजपत राय थे वो द पीपल समाचार पत्र से संबंधित थे, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा 1, 2 और 4 सही हैं, यानी सी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए, लाखों लोगों की जान गई, वो 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वें के समय पर हुआ था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट में उस समय जो शासक थे वो एक हिंदू शासक था जिसका नाम जमोरिन माना जाता है, उसने वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कूटों रिपोर्टों का सही कालक्रम इसमें हमें बताना है, सही कालक्रम। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि पीरपुर रिपोर्ट, जो पीरपुर रिपोर्ट है वो 1938 में पीरपुर रिपोर्ट आई थी, फिर शरीफ रिपोर्ट, फिर उसके बाद मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, तो इसलिए इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित तो है सी, सही सुमेलित कौन सा है इसमें? सी, यानी रफीक जकारिया ने बुक लिखी है, ये बुक है, उसको मैच करना उसके राइटर से द मैन हु डिवाइड इंडिया। तो
जो इसमें तीन विकल्प में जो अदर बुक है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पॉवर्टी एंड अनविटेज रूल इन इंडिया है, इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। इसको किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। अनहैप्पी इंडिया को लिखा था लाला लाजपत राय के द्वारा। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन को राम मनोहर लोहिया के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दो लोगों ने बम फेंका था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो नहीं था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सॉरी वारेन हेस्टिंग था, वारेन हैंगस्टिंग उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो ये 4 नंबर क्या है? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, इनमें से कथनों में से सही बताना है। तो जो थर्ड कथन है, 1, 2, 4 सही हैं, 1, 2 और 4 सही हैं, और जो विकल्प नंबर 3 है वो गलत है, क्योंकि इसमें कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, जबकि हरिपुरा जो अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड के टाइम पे। ठीक है, इसीलिए इसका डी विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 का जो है 6945 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे? तो ये 3 वर्षों में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ का प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो से, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर सी होगा। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, नाव 107, क्वेश्चन नंबर 107 है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इसका सही आंसर होगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15, 25 और 30 x का लासाबा 300 हो तो x का न्यूनतम मान जो है हमें बताना है, तो इसका सही आंसर है सी, 4 होगा इसका आंसर। मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन है, 110 का सही आंसर 21 वर्ष होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 और इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर है और इसका सही आंसर बी होगा, 20। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ठीक है, तो चतुर्भुज का ए बी सी डी है एक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज से, ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, 45 वर्ष और 15 वर्ष, पिता पुत्र की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है, इसका सही आंसर होगा 15/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा
118 क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर होगा 525 मीटर। क्वेश्चन नंबर 119 है, इसका सही आंसर होगा 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जब ये पेपर हुआ था तो उस समय पर बदायूं और जौनपुर में स्थापना की जा रही थी दो नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। आईटी सिटी कहाँ बनना है? लखनऊ में। विश्व में हथियारों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, तो विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो है भारत। 123 क्वेश्चन है, चीनी नववर्ष के बारे में पूछा गया है। तो चाइना में हर वर्ष कुछ नया नववर्ष होता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि किस साल कौन सा नववर्ष चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 2013 के विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? अगर हम 2018 की बात करें कि भाई 2018 में भारत का कौन सा स्थान है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो 2018 में भारत का स्थान है 138वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। विंबलडन 2013 पुरुष एकल खिताब, तो इसका जो सही आंसर है वो उस समय तो एंडी मरे था, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई 2018 में विंबलडन किसने जीता पुरुष एकल में, तो उसका सही आंसर क्या होगा? नोबाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था, ठीक है। इसका उस समय के अनुसार आंसर दानिश मुतवजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगपत समीकरण से है, इसका सही आंसर सी होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी मार्च, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जनवरी 2013 में मिलोस जीनोम राष्ट्रपति चुने गए, तो हमें राष्ट्रपति भी ध्यान रखने होते हैं कि भी कहाँ पे नए राष्ट्रपति बने, कौन सा फेमस है, और कोई सीरीज हुई है अगर जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई है तो उसमें कैप्टन कौन था और मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने की हैं। पद्म विभूषण से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2013 में संपन्न एकेडमी अवार्ड, तो अगर 2018 का एकेडमी अवार्ड की बात की जाए तो 2018 में बेस्ट फीचर फिल्म्स यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो ऑस्कर मिला था वो किसको मिला है, तो द शेप ऑफ वाटर को। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जॉन कैरी के बारे में पूछा गया है, ये अमेरिका के हैं जॉन कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश द्वारा रोक दिया गया है, संबंधित है हवाई यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 और इसका सही आंसर होगा B5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप आयोजित होगा, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में था। अगर ये पूछा जाए भाई 2019 में कहाँ आयोजित होगा, तो 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है यानी ICC वर्ल्ड कप कहते हैं जिसको, वो इंग्लैंड में होगा। कहाँ होगा? इंग्लैंड में, उसको इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। रक्षा सौदे की बात की गई है 136 क्वेश्चन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदीपुर से निर्भय मिसाइल को छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम
राष्ट्र है, तो साउथ सूडान एक नया राष्ट्र बना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका सदस्य कंबोडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक में है, खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान झांसी में है। तो इस तरह से इसका सही जो विकल्प होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अमन धान जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, नहीं बोया जाता है, यानी ये मार्च अप्रैल में नहीं बोया जाता, इसलिए सही जो विकल्प होगा वो डी होगा इसका, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013, अगर 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो जो 2018-19 है, 2018-19 का जो सीजन है उसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है गेहूं का, वो कितना है, 1840 प्रति कुंटल। 2013 में कितना था, 1350 था, और 2018-19 का जो सीजन होगा उसके लिए कितना रखा गया है, 2018-19 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 18400 पर कुंटल रखा गया है। नेक्स्ट है, गेहूं में बौनेपन का जीन है नोरेन 10। नेक्स्ट है, किसी उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, दलहनों का अधिकतम उत्पादन, तो जो दलहन है दालें हैं, दालों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है, कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए डी विकल्प आपका गलत है। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का 2013 UPPCS लोअर का सेकेंड पार्ट था। तो इस तरह से पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर हमने 150 क्वेश्चंस यहाँ पे एक सुपर पास तरीके से यहाँ पर रिवाइज़ किए हैं, रिवीजन किए हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको, आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर आपने चैनल